हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं ये आप लोग सभी जानते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन जो कैपिटल लेबर यानी इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करे, लेबर और कैपिटल को जीडीपी में ट्रांसफॉर्म करे, उस फंक्शन को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। बेसिकली ये कॉब डगलस एक आदमी नहीं है, कॉब अलग है, डगलस अलग है। जो ये डगलस हैं, बेसिकली इनका पूरा नाम पॉल डगलस है। ये एक यूएस के सेनेटर थे। और दूसरे जो है वो है चार्ल्स कॉब। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, दोस्त थे ये दोनों आपस में। तो हुआ ये था उस वक्त कि पॉल डगलस ने एक डेटा को स्टडी किया, डेटा देखा, पीछे का काफी डेटा, और उन्होंने एक सरप्राइजिंग चीज ये देखी। उन्होंने देखा कि जो जीडीपी के अंदर कैपिटल और लेबर का शेयर है वो कांस्टेंट है। ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग थिंग उन्हें लगी कि काफी पीछे से अगर डेटा को स्टडी करिए कई सालों का, लेकिन ये जो एक शेयर है कैपिटल का और लेबर का, ये शेयर उन्हें कांस्टेंट दिखा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए 100 है हमारा जीडीपी, और जीडीपी 100 हमें कैपिटल का मिल गया और 40 लेबर का मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये 200 हो गया अगले साल। जाहिर है इकोनॉमी डेवलप करती चली जाती है, 200 का हुआ तो ये 120 हो गया, ये 80 हो गया। यानी जो रेशो है वो उन्होंने कहा कि ये रेशो जो है और ये जो शेयर है दोनों का, ये कॉन्स्टेंट ही चलता चला आ रहा है। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कॉन्स्टेंट है। इस बात को लेके उन्होंने अपने दोस्त जो चार्ल्स कॉब थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उनसे कहा कि क्या कोई ऐसा एक फंक्शन हो सकता है जिसमें के दोनों चीजें यानी दोनों लेबर और कैपिटल दोनों का शेयर हर साल कांस्टेंट ही चलता चला जाए, हर साल हमारे फैक्टर्स मार्जिनल प्रोडक्ट लेते जाए, हर साल हर महीने हर टाइम जब भी प्रोडक्शन हो मार्जिनल प्रोडक्ट मिले, उसमें से भी उन दोनों का शेयर कॉन्स्टेंट रहे। और उसमें उन्होंने कहा कि एक ये प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए उसके अंदर कि जो जैसे मान लीजिए शेयर दोनों का होगा, हमारी कैपिटल इनकम का भी होगा और लेबर का भी। तो कैपिटल इनकम कौन सी होगी हमारी? कैपिटल इनकम जो हमारा मार्जिन होता है, बेसिकली एडिशनल जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें जो प्रोडक्शन में हिस्सा आएगा लेबर इसका कैपिटल का, वो मार्जिनल पोर्शन कहलाएगा उसका। यानी उसका जो शेयर है वो उस मार्जिन में कितना है ये कहलाएगा। तो उसका क्या है ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम करेंगे क्या टोटल निकालने के लिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल से। ये तो सिंपल है, आप पहले सारे फंक्शंस में पढ़ते चले आ रहे होंगे। ये जो निकल कर आएगा इसको हम कहेंगे अल्फा वाई। ठीक है, अभी अल्फा क्या है पहले मैं दूसरा बताऊंगा, फिर दोनों को एक साथ में आपको समझाऊंगा कि अल्फा क्यों लगाया है। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा लेबर की इनकम हो जाएगी। लेबर की इनकम सेम वही होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाई लेबर इज इक्वल टू 1 - α y। ठीक है, अब देखिए यहां इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि अल्फा और 1 - α ये क्या है। देखिए बेसिकली जो हमने यहां किया ये मार्जिनल हमारा पोर्शन है इसका, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो ये बता रहा है अल्फा कि इस टोटल जीडीपी के अंदर कैपिटल का पोर्शन कितना है, अल्फा है। ठीक है, अब सवाल यह होता है कि यहां पर 1 - α क्यों आ गया। फिर आप ये मान के चलिए कि पूरा जो पोर्शन है, पूरी जो इनकम है वो 1 है। उस 1 में से एक हिस्सा अगर कैपिटल ने ले लिया तो बचा हुआ हिस्सा ही तो इसको लेबर को मिलेगा। तो यानी जो इसका बचा हुआ हिस्सा है 1 - α y वो पोर्शन लेबर का हो जाएगा। आप इसको देखिए अल्फा, ये अल्फा है प्लस 1 - इसको अल्फा ही बनाए, ये ना बनाए 1 - α। आप इसको खोल लीजिए अल्फा प्लस 1 - α, हाँ प्लस से ही माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 ही है ये। सिर्फ हमने यहां अल्फा लिख दिया
तो यहां उसको 1 माइनस अल्फा कर दिया। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1 माइनस अल्फा कहां से आ गया। ये बेसिकली सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि 1 एक है हमारे पास है प्रोडक्शन है, उसमें से अगर एक पार्ट अल्फा हो गया तो दूसरा पार्ट 1 माइनस अल्फा होगा। बेसिकली ये अल्फा आपको इस टोटल इनकम में से ये बता रहा है कि अल्फा बता रहा है कि कैपिटल का कितना पोर्शन है उस टोटल जीडीपी में से, और 1 माइनस अल्फा बता रहा है कि इस जीडीपी में लेबर का पोर्शन कितना है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से फिर जो फंक्शन बनकर आया फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर इक्वल टू ए, ये ए अभी क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं समझा दूं लिख दूं पूरा उसके बाद बताता हूं कि ये ए क्या है। ठीक है, उसके बाद यह कैपिटल का पार्ट अल्फा अल्फा और लेबर का पार्ट 1 माइनस अल्फा। ये तो कॉर्प डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, आपने लिखा बार बार देखा होगा। ये ए जो है ये बेसिकली स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर हम इस ए को नहीं लिखेंगे तो स्टडी के दौरान अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो प्रोडक्शन तो अपने आप चेंज हो जाएगा, तो हम डिफाइन करके चलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है। अगर इसमें चेंज आएगा तो दोनों के शेयर में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के लिए हम रखते हैं। अब ये फंक्शन आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो इनका अच्छा ये कहां से आया है, ये आपने पूरे हमारे जो पहले फंक्शन है उसी पर बेस होता है, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल और लेबर, ये फंक्शन आपने पढ़े होंगे पहले, तो उसी को हमने यहां पर इससे लिया है। हालांकि कुछ जगह आप लोगों ने ये फंक्शन ऐसे भी लिखा देखा होगा, क्यू इज इक्वल टू ए के अल्फा एल बीटा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी वही क्वांटिटी है जिसको हम इनकम कह रहे हैं प्रोडक्शन है। वहां वो यहां 1 माइनस अल्फा कर दिया, लेकिन यहां ये बीटा भी आपको इस लेबर का शेयर ही बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी फंक्शन आपको मिल सकता है, सेंस एक ही होना चाहिए कि ये दोनों फंक्शन आपको सिर्फ यही एक बता रहे हैं कि जो टोटल जीडीपी है उसमें आपके कैपिटल का कितना शेयर है और लेबर का कितना शेयर है। हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल जीडीपी जो है या तो लेबर से बनती है या कैपिटल से, तो दो ही शेयर इसके अंदर है। तो ये फंक्शन हमें ये बता देता है कि दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा इस फंक्शन के हिसाब से कांस्टेंट चलेगा, जितना इसका होगा उसमें जितना बचेगा वो लेबर का हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉर्प डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन काफी पहले डेवलप किया गया था, लेकिन अपनी एक्यूरेसी की वजह से आज भी ये यूज किया जाता है। और हां, इस बात को याद रखिएगा कि ये जो अल्फा है इस अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, तभी तो 1 के अंदर दोनों का शेयर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अल्फा हमेशा जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, निगेटिव नहीं होगी या 1 से ऊपर नहीं जाएगी। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देखें, उससे हमें आइडिया होगा कि ये किन किन प्रॉपर्टीज पे काम करता है। पहले तो हम सिर्फ ये देखें कि क्या ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर काम करता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या मतलब, जितनी आप इनपुट देंगे उतनी ही आउटपुट आपको देगा ये, जिस प्रोपोर्शन में आप अपनी इनपुट को बढ़ाएंगे क्या आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। लेबर और कैपिटल को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में आप बढ़ाएंगे तो आपको आउटपुट भी क्या उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। इसके लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं जेड, और हम पूरे फंक्शन को दोनों साइड में जेड से मल्टीप्लाई करके फिर देखते हैं कि क्या अगर हम जेड की क्वांटिटी के हिसाब से इनपुट को बढ़ा रहे हैं क्या आउटपुट भी हमें जेड के साथ मिलेगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, के एल इक्वल टू ए के अल्फा और एल 1 माइनस अल्फा।
ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन है। अब हम इसमें दोनों साइड में z से मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन z के जेड एल इक्वल टू ए। अब ये इसके k के साथ z लगाएंगे, पहले z k वैल्यू अल्फा आएगी और इसी तरह से z l वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब सिर्फ इन ब्रैकेट्स को खोल मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा ऐसे ही, a z अल्फा k अल्फा, इसी तरीके से z 1 माइनस अल्फा, z 1 माइनस अल्फा l 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब सिर्फ z की वैल्यूज को, दोनों z की वैल्यूज को एक जगह लेकर आ जाएंगे, बाकी इधर का भी, इधर वाले ये भी सेम है, a z अल्फा और z 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा k अल्फा l 1 माइनस अल्फा। क्लियर? अब अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, ये तो अल्फा 1 माइनस अल्फा, मैंने पहले भी याद होगा आपको बताया था, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस प्लस कट जाएंगे, क्या बचेगा 1। तो बेसिकली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज को ऐड करेंगे, वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी 1, 1, जाहिर आप लिखेंगे नहीं, खाली z लिखेंगे, तो इसका मतलब ये पोर्शन पूरा सिर्फ आपका z बन जाएगा। तो आप इस पूरी ये इक्वेशन क्या है, एक k अल्फा l 1 माइनस अल्फा आपका भी प्रोडक्शन फंक्शन है, तो इसका मतलब आप यहां लगाइए z a k अल्फा l 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ रही है? अब इसको आप यहीं लिखिए तो ये क्या बनेगा, f z k z l, ये अब आपका पूरा फिलहाल फंक्शन है जो आपको बता रहा है कि z इधर भी है और z इधर भी है। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें f z k z l, तो ये क्या है, ये z बाहर ले लीजिए कॉमन आ जाएगा, तो यानी z f k l ठीक है इज इक्वल टू z। अब ये पूरा है, या तो आप इसी को लेकर चलिए, आप ये मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k l जो मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, अब यहां अगर आपका फंक्शन k ऑफ l, इसका मतलब ये आपका y है, तो आप सीधा आप ये भी लिख सकते हैं z y, ये फंक्शन आपको ये भी तो बता रहा है इसके हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि आप ये देखिए कि अगर हम z की बराबर इनपुट और आउटपुट को दोनों को बढ़ा दें, अगर हम ये देखें कि हम यहां पर बढ़ा रहे हैं इनपुट में z की तरफ, इधर इनपुट हमने बढ़ा दिया z की तरफ, तो आप सॉल्व करके देखिए तो अपने आप ये आउटपुट में भी z बन जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, z इसके, हमने z से यहां मल्टीप्लाई किया तो हमने z से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और जब हमने z से मल्टीप्लाई किया तो हमारी टोटल आउटपुट z से बढ़ गई। कंसीडर कीजिए कि हमने इनपुट्स बढ़ाए थे, आउटपुट अपने आप आकर बढ़ गई। ठीक है, तो ये सिचुएशन, ये कैलकुलेशन हमें ये बताती है कि हाँ, अगर कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा। ठीक है, अगली देखिए, क्या हम इसकी मार्जिनल वैल्यूज ले सकते हैं, हमें तो इसकी मार्जिनल वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या हम मार्जिनल प्रोडक्ट इसका निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, और इतना कैलकुलस आप लोग आता ही होगा मुझे उम्मीद है, सीख ली थोड़ा सा कैलकुलस, जहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है,
के एल इक्वल टू ए के अल्फा एल वन माइनस अल्फा। तो जैसे पहले हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालें, तो अब हम एल को यानी लेबर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, यानी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल। पहले हम एक्सपोनेंशियल से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वन माइनस अल्फा ए के अल्फा, और यहां वैल्यू में क्या करते हैं हम माइनस वन कर देते हैं। जब वन माइनस अल्फा में से वन चला गया तो खाली माइनस अल्फा बचा यहां पर, ठीक है, ये निकल कर आ गई आपकी, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकल कर आ गया। इसी तरीके से जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल करेंगे तो सिमिलरली अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के। सिंपली हम इसका डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, तो अब अल्फा आगे आ जाएगा, अल्फा ए, अब के की वैल्यू क्या रह जाएगी, अब हम उसको अल्फा में से वन को निकाल देंगे, वन माइनस करते हैं ना, तो जो भी अल्फा बचा उसमें से हमने वन निकाल दिया, ठीक है, और लेबर आपका था वन माइनस अल्फा। ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ गया। तो सिर्फ सिंपली आप ये रखिए, जो हमारा कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसके जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसको दोनों उस इक्वेशन को लेबर और कैपिटल दोनों के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम डेरिवेटिव्स ले लेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू एल या के, किसी को भी पहले आगे पीछे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर ले लेंगे उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एल। तो जब आप एल यहां पर आपने के का लिया है तो इसकी वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ये आ गया, और जब आपने लेबर का लिया है एल का लिया है तो विद रेस्पेक्ट टू एल यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आपका ये निकल कर आ गया। ये इक्वेशन से क्या मिलता है, देखिए ये इक्वेशन सिंपली आपको ये बताती है कि किसके शेयर किसकी वजह से चेंज हो सकता है, यानी क्या वजह है जिसकी वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। उसके लिए क्या ये मानकर चलिए कि अगर आप अमाउंट ऑफ कैपिटल बढ़ाएंगे तो कैपिटल का शेयर रिड्यूस होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कम होगा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अमाउंट ऑफ लेबर बढ़ाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर घटेगा और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस आपको इस बात को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ए में चेंज आता है, ए अगर बढ़ता है तो उसका शेयर दोनों को मिलेगा बराबर बराबर, क्योंकि तो टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से आ रहा है, लेबर और कैपिटल की वजह से थोड़ी आ रहा है। तो अगर इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो उसका शेयर दोनों में साथ साथ जाएगा। अच्छा, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो एक और प्रॉपर्टी को बताता है ये, यानी जैसे उसमें जैसे आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल लेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, उसके लिए आपका जो जीडीपी में कैपिटल का शेयर है, यानी आपका अल्फा शेयर है फुल जीडीपी में, उसको आप कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसी तरीके से जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उसमें जो आपका शेयर है जीडीपी में टोटल में, यानी वन माइनस अल्फा वाई डिवाइड बाय एल, ठीक है, ये इनकी दोनों की वैल्यू निकलकर आ जाती है। यानी ये क्या बता रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट पर वर्कर, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल। ये वाई अपॉन के है क्या, वाई
अपॉन के, यहां हमने यही लिया है। ये क्या है? ये बेसिकली एवरेज कैपिटल प्रोडक्टिविटी है। और इसी तरीके से ये जो हमारा वाई अपॉन एल है, ये एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये बताता है, ये फंक्शन हमें बता कि अगर हमारा फंक्शन कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एवरेज प्रोडक्टिविटी। ये तो बेसिकली एवरेज ही निकल रहा है ना। तो क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, तो इसका मतलब ये अगर हमारे पास आज जो हम प्रोडक्शन फंक्शन है वो कॉब डुगलस है, तो वही बात बताकर चलता है कि जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर वो प्रोपोर्शनल होती है एवरेज प्रोडक्टिविटी के। ठीक है, अच्छा एक और फंक्शन है जिसको हम थोड़ा सा, मैं ऐसे आइडिया दे देता हूं उसका, जिसको हम लोगों ने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, यह आपने देखा होगा हम इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉब डुगलस प्रोडक्शन में हम क्या, हम दो फैक्टर लेके चल रहे हैं, कैपिटल और लेबर। अगर आप कैपिटल को फिक्स कर दें और लेबर को बढ़ाते चले जाएं, तो जाहिर है एक वक्त ऐसा आएगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा वो कम होने लगेगा। अगर हम सिर्फ लेबर को बढ़ाते चले जाएं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है कि अगर आप की दो फैक्टर, कोई फैक्टर्स हैं उसमें से सारे फैक्टर को फिक्स करके अगर एक फैक्टर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो एक स्टेज बाद आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगेगा। वो सेम केस है यहां पर। तो यानी कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर आप इसको देख लीजिए, वीडियो एक बार पढ़िए, बुक से वीडियो को देखिए फिर बुक से पढ़िए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।